सरकार को हमने 2 दिन दिए। हम नहीं चाहते थे कि भाई लोगों का जो आम लोग हैं वो उनकी सुविधाएं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो मतलब हमारे लोग कर्मचारी काम करते हैं और जो जो विभाग उससे जुड़े हुए हैं आम लोगों से, हम किसी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन सरकार ने हमें पहले वार्ता के लिए बोला झूठ, उसके बाद जो है उपनल कर्मचारियों में आक्रोश है और आक्रोश होने की वजह से अगली हमारी जो रणनीति होगी, हमारा रैली होगी और सचिवालय घेराव भी होगा, मुख्यमंत्री आवास घेराव भी होगा, मतलब कई चीज़ें होने वाली हैं। सर, हमने पिछले 36 घंटे से यहाँ पे अपना धरना दे रखा है और सरकार को हमने 2 दिन का समय दिया था, जो कि हमारी बातें नहीं सुन रही है। सर, जब इस परिस्थिति में हमारी बातें नहीं सुन रही तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि हम अपनी तमाम सेवाएं अपने विभाग को दे चुके हैं। सर, हमें 7 से 15 साल हो चुके हैं इस कार्यरत में। और सर, हमारा पहले भी जियो निकला था कि हमें नियमितीकरण करा जाए, वो भी सरकार ने नहीं सुना है। और सर, अब तो हम सीधे सीधे हाईकोर्ट से जीत चुके हैं और हम ज़्यादा कुछ ना मांगते, हम सरकार से ही मांगते जो हम हाईकोर्ट से जीते हैं वो हम पे लागू किया जाए।